हेलो एवरीवन, वेलकम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इन माय वीडियो। तो आज के स्टडी व्लॉग में मैं अपना 200% देने वाली हूँ और देखते हैं कि आज मैं कितने घंटे पढ़ पाती हूँ। वैसे तो मेरा टारगेट है कि मैं 13 आवर्स से ज़्यादा पढ़ लूँ, तो लेट्स सी पढ़ पाती हूँ या नहीं। और आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि मैं इतने घंटे कैसे पढ़ लेती हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि पिछले 3 हफ्ते से मैंने वीडियो क्यों नहीं डाली थी। इसका रीज़न सच बताऊँ तो मुझे भी नहीं पता। मींस मेरा ना एडिटिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मुझे एक वीडियो को एडिट करने में ऑलमोस्ट 2-3 घंटे लग जाते हैं, तो मैं क्या करती थी कि रोज़ थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के एडिट कर लिया करती थी। पर पिछले कुछ हफ्तों से मेरा पढ़ाई करने के अलावा कुछ और करने का मन ही नहीं कर रहा था, इसलिए वीडियो इतनी लेट आई है। लेकिन अब शायद वीडियो मैं टाइम पर डाल दिया करूँगी। तो आज मैं 6:30 बजे जग गई थी। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया एनिमल किंगडम की एनसीईआरटी रीडिंग करना। ये मैंने रात को ही सोच लिया था कि सुबह उठ के मुझे एनिमल किंगडम की एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, वरना सुबह सुबह ना ये सोचने में ही टाइम वेस्ट हो जाता कि मुझे किस चैप्टर की एनसीईआरटी रीडिंग करनी है। तो ऑलमोस्ट 1 घंटे मैंने एनिमल किंगडम पढ़ा। तो मैं बताती हूँ कि आज का मेरा डेली टारगेट में क्या है। तो सबसे पहले मुझे एनसीईआरटी रीडिंग करनी थी एनिमल किंगडम की, जो मैंने कर ली। उसके बाद मुझे फिज़िक्स का लेक्चर लेना है, केमिस्ट्री का लेक्चर लेना है और बॉटनी का भी लेक्चर लेना है, साथ में उनकी DPPs भी करनी है। और उसके बाद आज मेरे रिवीजन टारगेट में है सरफेस केमिस्ट्री, और मुझे रोटेशनल मोशन की DPP और नोट्स के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। तो अभी 8:30 बज चुके हैं और मैं ब्रेकफास्ट करके आ चुकी हूँ। अब मैं कर रही हूँ स्टार्ट फिज़िक्स का लेक्चर ग्रेविटेशन का, और देखो कितने सारे स्टूडेंट्स अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप सब मुझसे पूछते हो कि ये कौन सा ऐप है, मैं कौन से ऐप से मतलब ये टाइम रिकॉर्ड करती हूँ। तो ये है योल पुमता ऐप, YPT है इसका शॉर्ट फॉर्म में नेम। आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और हम यहाँ पे ना ग्रुप स्टडी करते हैं। तो आप ये ग्रुप स्टडी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको इसके ग्रुप स्टडी ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूंगी कि इस ऐप को कैसे यूज़ करना है। हम ग्रुप स्टडी करते हैं तो चैलेंजेस भी करते हैं, और इससे ना बहुत इजी हो जाता है हमारा पढ़ाई करना। तो अब मेरा फिज़िक्स का लेक्चर हो चुका है और अभी हो रहे हैं 11:15। तो मैंने सोचा कि फिज़िक्स के लेक्चर लेने के बाद ना मुझे ब्रेक की नीड होती है, तो मैंने सोचा पहले 15 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर उसके बाद केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। A few moments later. तो मैंने 15 मिनट्स का ब्रेक लिया है और अभी 11:30 हो रहे हैं। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ केमिस्ट्री का लेक्चर, पीरियोडिक टेबल का लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, इजी चीज़ें तो याद रख ली जाती है, बट हार्ड चीज़ें याद रखना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। बट नॉट एनी मोर, इफ़ हम मेमोनिट से निमोनिक्स रेफर करें, येस इट बिकम एज ईजी एज ABC। निमोनिक सिर्फ एक फन वे ही नहीं बल्कि साइंटिफिक तरीका है अपने ब्रेन मेमोरी में लंबे समय तक एक टफ कॉन्सेप्ट को याद रखने का। वेल, आपने भी कभी ना कभी ये ट्राई किया ही होगा, राइट? इट वर्क्स वेल, सो आप भी ट्राई करके देख सकते हो मेमोनिट ऐप डाउनलोड करके। और हाँ, एक और बात कि मेमोनिट से नीट 2023 में बायो के 100 out of 100 क्वेश्चंस एंड इवन केमिस्ट्री के भी 48 out of 50 क्वेश्चंस एंड फिजिक्स के 45 out of 50 क्वेश्चंस आए थे। ऑल प्रूफ आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। है ना अमेजिंग ऐप, सारे कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को ईजिली निमोनिक्स के थ्रू याद रखा जा सकता है। NCERT के लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस भी है जिससे आप अपनी NCERT की एक्टिव रिवीजन कर सकते हो। साथ ही साथ इस ऐप में स्पेशल रिवीजन एल्गोरिथम भी है एंड ऑलमोस्ट 40-50 निमोनिक्स ट्रिक्स फॉर ईच चैप्टर विद ग्राफिक्स दिए हुए हैं। ये ना आपको NPCM के नोट सेक्शन में मिल जाएगा। इट्स हेल्पफुल टू रिट्राइव कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आर ब्रेन एट द टाइम ऑफ द एग्जाम। So try it out from the link provided in the description box and don't forget to get 300 rupees discount just by applying my code ROMA300 for the subscription. तो अभी मैं periodic table का lecture कर रही हूँ। Inorganic chemistry के लिए मैं follow कर रही हूँ मोहित रडीस सर को। periodic table का lecture लेने के बाद मैंने इसकी DPP भी कर ली थी, तो इसलिए ही मुझे इसको करने में 2 hours and 27 minutes लगे। इसके नोट्स भी लिखने होते हैं ना, तो इसलिए मेरे को टाइम लग जाता है इसे लेने में। और अभी हो रहे हैं 1:55, तो अब मैं जा रही हूँ लंच करने। 1 hour later.
तो मैं गई थी 155 पे और मैं वापस आई हूँ 255 पे। ऑलमोस्ट 1 आवर लगाया मैंने। तो अब मैं कर रही हूँ बायो का लेक्चर, और मैं बायो का लेक्चर करती हूँ तरुण सर से, लास्ट ईयर वाले। तो अभी मैं कर रही हूँ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का लेक्चर। लेक्चर करने के बाद मैंने सर का डोपा भी सॉल्व किया। डोपा सॉल्व करने में टाइम नहीं लगता, बस क्वेश्चंस नोट करने में टाइम लगते हैं, और मैं तो क्वेश्चंस नोट करती ही हूँ, क्योंकि मुझे पता है क्या होता है कि टॉपिक वाइज क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं जब, तो हम मैं क्या करती हूँ जब रिवाइज करती हूँ तो साथ में दोबारा डोपा सॉल्व कर लेती हूँ, तो इससे ना हेल्प हो जाती है। डोपा से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाता है और रिविज़न भी हो जाता है। मैंने ना बैक टू बैक केमिस्ट्री का लेक्चर लिया, बायो का लेक्चर लिया, उसकी डीपीपी भी सॉल्व की, इसलिए अब मैं 15 मिनट्स का ब्रेक लेने जा रही हूँ। A few moments later. तो शाम के 5:30 बजे मैंने सरफेस केमिस्ट्री का रिवीजन करना स्टार्ट किया। तब ना रिड्यूस्ड सिलेबस नहीं आया था, इसलिए ही मैं सरफेस केमिस्ट्री रिवाइज कर रही थी। अब तो ये चैप्टर नहीं आ रहा नीट में। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि लॉन्ग आवर्स तक पढ़ने के लिए मैं खुद को कैसे मोटिवेट रखती हूँ और मैं ये कैसे कर पाती हूँ। देखो, मैं क्या करती हूँ कि डेली खुद को एक टारगेट देती हूँ कि मुझे इतने घंटे पढ़ने ही हैं। जैसे मैंने आज 13 आवर्स का टारगेट दिया था खुद को, और साथ में ना मुझे आज पूरे दिन में क्या क्या करना होता है वो भी मैं सुबह ही लिख लेती हूँ। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर व्हाट्सएप चैनल पे होंगे तो आपको पता ही होगा। ये तो बात हो गई कि मैं ओवरऑल पूरे डे के लिए क्या क्या डिसाइड करती हूँ। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है वो ये है कि मैंने अपने पूरे दिन की स्टडी को स्लॉट्स में डिवाइड किया है, जिसमें मैंने ब्रेक टाइम भी रखा है। इससे क्या होता है ना कि मन में ऐसा रहता है कि बस 1 घंटे ही तो पढ़ना है, उसके बाद तो ब्रेक मिल ही जाएगा। तो इससे ना सिटिंग आवर्स बढ़ती है। अगर आपकी स्टडी प्लान्ड नहीं होगी ना तो आपको यही लगता रहेगा कि अभी पहले ये कर लेती हूँ, 10 मिनट मैं फ़ोन चला लेती हूँ, उसके बाद पढ़ लूँगी, और ऐसे ही टाइम वेस्ट होता है और पूरा दिन कब निकल जाता है वो पता भी नहीं चलता। इसलिए ही अपनी स्टडीज़ को स्लॉट में डिवाइड करो। जैसे कि मैं क्या करती हूँ कि ब्रेकफास्ट करने के बाद से 11 बजे तक का मैं स्लॉट रखती हूँ, जिसमें कि मेरा टारगेट होता है कि फिज़िक्स का लेक्चर कंप्लीट करना है, और फिर उसके बाद मैं 15 मिनट का ब्रेक रखती हूँ, और फिर नेक्स्ट स्लॉट में मैं लंच तक नेक्स्ट स्लॉट रखती हूँ जिसमें मुझे केमिस्ट्री का लेक्चर करना होता है। तो आप भी ऐसे ही स्टडी स्लॉट्स बना के पढ़ोगे ना तो आपकी स्टडी आवर्स खुद इंक्रीज़ होने लगेगी। मेरे लिए तो ये आइडिया मेरी स्टडी आवर्स को इंक्रीज़ करने में बिल्कुल वर्क करता है। आप भी ट्राई करके ज़रूर देखना। जैसे आज मैंने 13 आवर्स का स्टडी टारगेट रखा है, तो लेट्स सी कि मैं ये कंप्लीट कर पाती हूँ या नहीं। तो मैंने सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर रिवाइज कर लिया, पूरा चैप्टर नहीं हुआ है, अभी रहता है। तो अभी हो रहे हैं 9:15 यानी कि 8:45 अप्रॉक्स। बीच में मैं डिनर करने भी चली गई थी। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ रोटेशनल मोशन रिवाइज करना, और इसमें मैं क्या कर रही हूँ कि जो नोट्स के क्वेश्चंस हैं ना, मैं उनको री अटैम्प्ट कर रही हूँ। और आप यहाँ पे देखोगे कि अभी मैंने 1 घंटे तक रिवाइज कर लिया है ऑलमोस्ट। और जैसा कि आपने मेरे रिवीजन टारगेट में देखा था कि मुझे नोट्स के क्वेश्चंस भी री अटैम्प्ट करने थे और मुझे डीपीपी भी री अटैम्प्ट करनी थी। तो पहले मैंने नोट्स के क्वेश्चंस री अटैम्प्ट करे, फिर उसके बाद मैंने डीपीपी करना स्टार्ट किया। तो ऑलमोस्ट 11 बजे तक मैंने रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। तो मेरे डेली टारगेट्स में जितने भी चीज़ें करने के लिए थी वो मैंने सब कर लिया था, और खुशी की बात ये है कि मेरा जो टारगेट था 13 आवर्स का वो भी कंप्लीट हो गया है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो है फिज़िक्स मैड इजी और केमिस्ट्री मैड इजी का बुक रिव्यू, वो भी जल्द ही आएगा। तो सब्सक्राइब कर लेना एंड कीप स्टडिंग एंड बी मोटिवेटेड। बाय।